नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे शाहरुख खान की फिल्म जवान के बॉक्स ऑफिस के बारे में। शाहरुख खान स्टार फिल्म जवान ने रिलीज के बाद से कई रिकॉर्ड तोड़ दिया और जबरदस्त कमाई की है। फिल्म ने अपने रिलीज के पहले दिन वर्ल्ड वाइड 125 करोड़ और भारत में 75 करोड़ कमाकर सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म का रिकॉर्ड अपने नाम किया था। इसके बाद जवान ने अपने पहले रविवार को 80 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर सिंगल डे पर सबसे ज्यादा कमाई कर इतिहास रच दिया था। हालांकि वीकेंड में आते ही फिल्म की कमाई में गिरावट शुरू हो गई। हालांकि जवान अब भी बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है और डबल डिजिट में ही बिजनेस कर रही है। चलिए जानते हैं कि फिल्म ने रिलीज के 8वें दिन कितने करोड़ का कलेक्शन किया है। दोस्तों, 7 सितंबर को सिनेमा घरों में रिलीज हुई शाहरुख खान की जवान का ओपनिंग वीकेंड काफी धमाकेदार रहा था। हालांकि नॉन हॉलीडे पर फिल्म के कलेक्शन में काफी गिरावट देखी जा रही है। सोमवार से फिल्म की कमाई घटनी शुरू हुई थी और ये थम नहीं रही है। फिल्म ने 75 करोड़ के कलेक्शन से धुआंधार शुरुआत की थी, लेकिन एक हफ्ते के अंदर ये 20 करोड़ पर आ गई है। 6वें दिन फिल्म ने 26 करोड़ रुपए कमाए थे, वहीं 7वें दिन फिल्म की कमाई 23 करोड़ रुपए रही। वहीं अब फिल्म की रिलीज के 8वें दिन की कमाई के शुरुआती आंकड़े आ गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जवान ने रिलीज के 8वें दिन 19.50 करोड़ का कलेक्शन किया है। इसके बाद जवान की 8वें दिन की कुल कमाई अब 387.78 करोड़ रुपए हो गई है। आपको बता दें, पठान के बाद जवान शाहरुख खान की लगातार दूसरी फिल्म है जिसने दुनिया भर में 600 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया है। पठान ने दुनिया भर में 1050 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया और जवान की कमाई की रफ्तार देखकर पूरी उम्मीद है कि यह पठान से आगे निकलने वाली है। वहीं घरेलू बॉक्स ऑफिस पर पठान का लाइफ टाइम कलेक्शन 543 करोड़ रुपए था। वहीं जवान ने 8वें दिन में 380 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली। वहीं जवान के बिजनेस में इस वीकेंड पर तेजी आने की उम्मीद है, जिसके बाद यकीनन यह फिल्म पठान को मात दे देगी। फिलहाल सभी की निगाहें बॉक्स ऑफिस पर टिकी हुई है। देखने वाली बात यह है कि वीकेंड पर जवान क्या कमाल कर पाती है। बात करें सनी देओल की फिल्म गदर 2 के बारे में, तो गदर 2 के कमाई पर ब्रेक लग गया है। करोड़ों में कमाई करने वाली यह फिल्म लाखों में सिमट कर रह गई है। फिल्म ने रिलीज के 34वें दिन 50 लाख का कलेक्शन किया था। वहीं अब फिल्म की रिलीज के 35वें दिन की कमाई की शुरुआती आंकड़े आ गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गदर 2 ने रिलीज के 35वें दिन भी 50 लाख का कलेक्शन किया है। इसी के साथ फिल्म की 35वें दिन की कुल कमाई 517.8 करोड़ रुपए हो गई है। गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर इतिहास रच दिया। फिल्म रिलीज के 35 दिन बाद भी कमाई कर रही है, हालांकि ये घट गई। फिलहाल गदर 2 का लक्ष्य शाहरुख खान की पठान के लाइफ टाइम कलेक्शन 543.9 करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ना है। हालांकि फिल्म की घटती कमाई देखकर गदर 2 के लिए पठान का रिकॉर्ड तोड़ना मुश्किल लग रहा है। इसी तरह के बॉलीवुड न्यूज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।